हेलो एवरीवन, हम इस वीडियो में देखेंगे कि कंप्यूटर नेटवर्क क्या है और नेटवर्किंग का इवोल्यूशन कैसे हुआ। कंप्यूटर नेटवर्क कैसे क्रिएट होता है जब आप दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर्स को एक दूसरे से कनेक्ट करते हो। ओके, अ नेटवर्क सेटअप बाय कनेक्टिंग टू और मोर कंप्यूटर्स। आप क्या कर रहे हो, एक नेटवर्क क्रिएट कर रहे हो, कैसे, दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर्स को एक दूसरे से कनेक्ट करके बाय यूजिंग द सपोर्टिंग हार्डवेयर डिवाइसेस, राइट। तो जब आप कंप्यूटर नेटवर्क क्रिएट करते हो तो क्या होता है, आपको कनेक्टिंग डिवाइसेस का यूज़ करना होता है। अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस में कंप्यूटर नेटवर्क क्रिएट कर रहे हो तो यहाँ पे आपको कनेक्टिंग हार्डवेयर भी चाहिए, लाइक राउटर, स्विच, गेटवे, हब। ओके, थ्रू कम्युनिकेशन चैनल्स। अब आप किसके थ्रू कनेक्ट कर रहे हो, आप केबल्स के थ्रू कनेक्ट कर रहे हो, वायर्ड कनेक्शन आप यूज़ कर रहे हो या वायरलेस यूज़ कर रहे हो, जहाँ पे आप वेव्स का यूज़ कर रहे हो, रेडियो वेव्स, सैटेलाइट्स का यूज़ कर रहे हो। ओके, इट्स कॉल्ड कंप्यूटर नेटवर्क, राइट। तो कंप्यूटर नेटवर्क आप कैसे क्रिएट करते हो, जब आप दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर्स को कनेक्ट कर रहे हो बाई यूजिंग द हार्डवेयर डिवाइसेज, बाई यूजिंग द कनेक्टिंग डिवाइसेज लाइक राउटर, स्विचेस, गेटवे, हब्स। ओके, एंड बाई यूजिंग द कम्युनिकेशन चैनल्स लाइक केबल्स, रेडियो वेव्स, सैटेलाइट्स एक्सेट्रा, इज कॉल्ड कंप्यूटर नेटवर्क। ओके, इट इनेबल्स कंप्यूटर टू कम्युनिकेट विद ईच अदर। तो जब आप कंप्यूटर नेटवर्क क्रिएट कर देते हो तो उसका एडवांटेज क्या है, उसका एडवांटेज ये है कि कंप्यूटर्स एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं, वे एक कंप्यूटर्स एक दूसरे को डेटा शेयर कर सकते हैं, कमांड शेयर कर सकते हैं, राइट। वो क्या कर सकते हैं, हार्डवेयर शेयर कर सकते हैं, ओके, सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज को शेयर कर सकते हैं, राइट। हार्डवेयर कैसे, जैसे मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ, आपके लैब के अंदर क्या होता है, बहुत सारे कंप्यूटर्स होते हैं और वो सारे कंप्यूटर्स आप एक वन प्रिंटर या वन स्कैनर के साथ अटैच होते हैं, राइट। आप किसी भी कंप्यूटर से कमांड दोगे, वो कहाँ पे जाके एग्जीक्यूट होगी, उस पर्टिकुलर प्रिंटर या स्कैनर पे जाके एग्जीक्यूट होगी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हार्डवेयर शेयरिंग हो रही है, राइट। ऐसे ही क्या होता है, जो आपका मेन सिस्टम होता है वहाँ पे सारे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर दिए जाते हैं, राइट, और उनकी कॉपीज को आप नेटवर्क कंप्यूटर्स के ऊपर यूज़ कर सकते हो। तो क्या हुआ, सॉफ्टवेयर शेयरिंग हो गई, फाइन। अब देखो पिक्चर के अंदर, देखो यहाँ पे आपका ये वायर्ड क्या है, कंप्यूटर नेटवर्क है, जहाँ पे वायर की हेल्प से क्या है, आपके डिवाइसेस कनेक्ट हैं, फाइन। देखो यहाँ पे स्विच है, आपके कंप्यूटर्स हैं, प्रिंटर है, सर्वर है, दे ऑल आर कनेक्टेड टू ईच अदर। तो यहाँ पे कोई भी कमांड किसी को सेंड कर सकता है, राइट। एंड हेयर वी हैव वायरलेस कनेक्शन ऑल्सो। यहाँ पे देखो वायरलेस राउटर है जिसकी हेल्प से आपके डिवाइसेस कनेक्ट हैं, फाइन। तो दिस इज आर कंप्यूटर नेटवर्क। अब देखते हैं इसके एडवांटेज क्या हैं, फाइन, कंप्यूटर नेटवर्क के आपके एडवांटेज क्या हैं। ओके, एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, सबसे पहला क्या है, आपका कम्युनिकेशन एंड कोलैबोरेशन। जब आप डिवाइसेस को, कंप्यूटर्स को एक दूसरे से कनेक्ट करते हो तो आप क्या कर सकते हो, कनेक्ट कर सकते हो, कोलैबोरेट कर सकते हो, राइट। नेटवर्क इनेबल कम्युनिकेशन एंड कोलैबोरेशन बिटवीन मल्टीपल यूजर्स। नेटवर्क की हेल्प से क्या है, मल्टीपल यूजर्स कम्युनिकेट कर सकते हैं एक दूसरे के साथ, कोलैबोरेट कर सकते हैं, कोलैबोरेट मीन्स मिलकर काम कर सकते हैं। ओके, डिवाइसेस एंड लोकेशन, तो डिफरेंट डिवाइसेस को यूज़ करने वाले यूजर्स एंड डिफरेंट लोकेशंस पे रहने वाले यूजर्स, लाइक अगर एक ऑफिस है, उसकी एक ब्रांच दिल्ली में है, एक उसकी ब्रांच मुंबई में है, ओके, एंड बोथ द ऑफिसेज आर वर्किंग ऑन द सेम प्रोजेक्ट। वो दोनों ऑफिस क्या है, सेम प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, तो वो कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या है, वो किसकी हेल्प से काम कर सकते हैं, नेटवर्क की हेल्प से काम कर सकते हैं। ओके, दिस फैसिलिटेट द शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन एंड रिसोर्सेज। नेटवर्क की हेल्प से क्या कर, जो डिफरेंट डिफरेंट यूज़र्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पे जो काम कर रहे हैं, वो क्या कर सकते हैं, अपनी इंफॉर्मेशन को शेयर कर सकते हैं, रिसोर्सेज को शेयर कर सकते हैं, मेकिंग इट ईजियर फॉर इंडिविजुअल्स टू वर्क टुगेदर ऑन प्रोजेक्ट्स। तो अलग अलग सिटीज़ में बैठे लोग सेम प्रोजेक्ट पे काम कर सकते हैं एंड टू एक्सचेंज इन्फॉर्मेशन, और आपस में इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे इसका सबसे पहला एडवांटेज क्या है, वी कैन कम्युनिकेट एंड कोलैबोरेट बाई यूजिंग द कंप्यूटर नेटवर्क, राइट। नेक्स्ट वी हैव द शेयरिंग रिसोर्सेज। आप रिसोर्सेज को शेयर कर सकते हो। नेटवर्क अलाउज मल्टीपल यूजर्स टू शेयर रिसोर्सेज सच एज प्रिंटर, स्कैनर, स्टोरेज डिवाइसेज। तो नेटवर्क की हेल्प से क्या होता है कि यूजर्स डिफरेंट लोकेशन पे जो भी अगर रिसोर्सेज हैं, लाइक प्रिंटर है, स्कैनर है, स्टोरेज डिवाइसेज है, उनका यूज़ कर सकते हैं।
ओके, तो यहाँ पे क्या है, आप क्या कर सकते हो, रिसोर्स को शेयर कर सकते हो. दिस रिड्यूसेस कॉस्ट एंड इंक्रीज एफिशिएंसी. इससे क्या है, आपकी कॉस्ट, आपका जो एक्सपेंस है वो घट रहा है, ठीक है, वो रिड्यूस हो रहा है और आपकी एफिशिएंसी इंक्रीज हो रही है. सिंस दीज रिसोर्सेज कैन बी शेयर्ड इंस्टेड ऑफ डुप्लीकेटेड फॉर ईच इंडिविजुअल यूज़र. तो यहाँ पे हम आसानी से अपने रिसोर्सेज को शेयर कर सकते हैं. हमें एक इंडिविजुअल यूज़र के लिए एक अलग सॉफ्टवेयर या एक अलग हार्डवेयर इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है. जैसे अभी मैंने आपको कंप्यूटर लैब का एग्जांपल दिया था कि आपने मल्टीपल कंप्यूटर्स को कनेक्ट कर दिया वन प्रिंटर या वन स्कैनर से. तो आपके जो मल्टीपल कंप्यूटर्स हैं वो उसको यूज़ कर रहे हैं, एक हार्डवेयर को यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपकी एफिशिएंसी भी इंक्रीज हो गई और आपकी कॉस्ट भी रिड्यूस हो गई. फाइन, नाउ रिड्यूस्ड कॉस्ट, नेटवर्क रिड्यूस कॉस्ट बाय शेयरिंग रिसोर्सेज, ये सेम पॉइंट है, ठीक है. आपका जो एक्सपेंस है, जो आपका खर्चा है, वो रिड्यूस हो रहा है क्योंकि यहाँ पे हम रिसोर्स को शेयर कर सकते हैं. रिड्यूसिंग हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट, ओके, हमारी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट रिड्यूस हो गई है, ओके, कम हो गई है बहुत, क्योंकि एक सिस्टम पे इंस्टॉल करके हम मल्टीपल सिस्टम्स उसको यूज़ कर सकते हैं. एंड सिंप्लीफाइंग मैनेजमेंट एंड मेंटेनेंस. और यहाँ पे क्या करना है, हमें हमारी हार्डवेयर जो है, हार्डवेयर रिक्वायरमेंट कम हो गया, तो ये नहीं कि बहुत सारा हार्डवेयर हमें इंस्टॉल करना पड़े, तो मैनेजमेंट भी हमारा क्या हो गया, बहुत सिंपल हो गया, मेंटेनेंस भी सिंपल हो गया. हमने क्या किया, एक हार्डवेयर को यूज़ किया है मल्टीपल सिस्टम्स पे, एक डिवाइस को यूज़ किया है मल्टीपल सिस्टम पे, राइट, ओके. फॉर एग्जाम्पल, नेटवर्क कैन इनेबल द यूज़ ऑफ क्लाउड सर्विसेज. अब नेटवर्क की हेल्प से आप क्या कर सकते हो, क्लाउड सर्विसेज का यूज़ कर सकते हो, आप ऑनलाइन अपना डेटा शेयर कर सकते हो, स्टोर कर सकते हो. रिड्यूसिंग द नीड्स फॉर एक्सपेंसिव ऑन साइट हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर. आप क्या है, आप अपना कितना भी इंपॉर्टेंट डेटा ऑनलाइन सेव कर सकते हो, आप क्लाउड सर्विसेज का यूज कर सकते हो. तो यहाँ पे आपको अपने खुद के सिस्टम में क्या है, एक्सपेंसिव हार्डवेयर डिवाइसेस को इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है, ओके. आप क्या कर सकते हो, क्लाउड सर्विसेज का यूज़ करके अपना जितना भी डेटा है उसको वहाँ पे स्टोर कर सकते हो. फाइन, नाउ एनहेंस्ड सिक्योरिटी. नेटवर्क्स इनेबल एनहेंस्ड सिक्योरिटी मेजर्स सच एज फायरवॉल्स, इंट्रूशन डिटेक्शन सिस्टम एंड एनक्रिप्शन. जब आप अपना क्रूशियल डेटा क्लाउड सर्विसेज पर स्टोर, मतलब क्लाउड सर्विसेज का यूज़ करके स्टोर कर रहे हो, तो ये नहीं है कि उसकी सिक्योरिटी में कुछ कमी है, नहीं. नेटवर्क के अंदर क्या है, आपको एनहेंस सिक्योरिटी मेजर्स मिलेंगे, मतलब बहुत बहुत ही आपको अच्छे सिक्योरिटी मेजर्स मिलेंगे, जैसे फायरवॉल हो गया, ओके, इंट्रूशन डिटेक्शन सिस्टम हो गया, बाहर से कोई उसको कोई इंट्रूडर उसके अंदर घुसने की कोशिश करे तो उसको डिटेक्ट कर सकता है. एनक्रिप्शन की आपको फैसिलिटी मिलती है, राइट. तो कंप्यूटर नेटवर्क के बहुत सारे एडवांटेज हैं, यहाँ पे मैंने कुछ एडवांटेज आपके साथ शेयर करे हैं, ओके. Evolution of networking. Networking का evolution कैसे हुआ, the seeds of internet were planted in 1969. जो first idea आया internet के लिए, okay, वो कब आया, 1969 में आया, when US Department of Defense sponsored a project. जब US के Defense Department ने एक project को sponsor किया जिसका नाम था ARPANET, Advanced Research Project Agency Network, okay. और इसका goal क्या था, the goal of this project was to connect the computers as different यूनिवर्सिटीज एंड यूएस डिफेंस. इसका गोल था यूएस डिफेंस को और यूएस की यूनिवर्सिटीज को कनेक्ट करना, उनके बीच मैसेज का एक्सचेंज करना, ओके. इन मिड 80s अनदर फेडरल एजेंसी द नेशनल साइंस फाउंडेशन क्रिएटेड अ न्यू हाई कैपेसिटी नेटवर्क कॉल्ड NSF नेट. मिड 80s में क्या हुआ, एक दूसरी एजेंसी, ओके, एक दूसरी फेडरल एजेंसी क्या होती है, जो गवर्नमेंट से रिलेटेड होती है, ओके, उस एजेंसी का नाम था नेशनल साइंस फाउंडेशन. नेशनल साइंस फाउंडेशन ने एक दूसरा नेटवर्क क्रिएट किया जिसका नाम था NSF नेट, ओके. एंड दैट नेटवर्क वॉज क्रिएटेड टू बी स्ट्रिक्टली यूज फॉर द अकेडमिक एंड इंजीनियरिंग रिसर्च. इस नेटवर्क का यूज अकेडमिक पर्पज के लिए और इंजीनियरिंग रिसर्च के लिए किया जाना था, ओके. NSF नेट वॉज मोर कैपेबल देन ARPANET. NSF नेट बहुत ज़्यादा कैपेबल था, ओके, उसकी हाई कैपेसिटी थी एज कम्पेयर टू द ARPANET. ओके, इन 1990s द ARPANET, NSF नेट एंड सम अदर प्राइवेट नेटवर्क्स वर ज्वाइन टुगेदर टू क्रिएट द इंटरनेट. 1990s में ARPANET, NSF नेट और कुछ अलग
ओके प्राइवेट नेटवर्क, कुछ प्राइवेट एजेंसीज ने अपना खुद का नेटवर्क किया क्रिएट किया था, वो सारे क्या हुए ज्वाइन हुए और उन्होंने किसको इवॉल्व किया, किसको क्रिएट किया, इंटरनेट को क्रिएट किया. फाइन, आर्पानेट, एनएसएफ नेट एंड सम अदर प्राइवेट नेटवर्क्स वर ज्वाइंड टू क्रिएट द इंटरनेट. उन्होंने चेंजेस किए, अमेंडमेंट किए अपने नेटवर्क्स में, ओके उसमें सुधार किया और क्या क्रिएट किया, इंटरनेट का क्रिएट, इंटरनेट को क्रिएट किया. ओके तो सबसे पहले आपका आर्पानेट क्रिएट हुआ, ओके उसके बाद आपका एनएसएफ नेट आया एंड लेटर ऑन 90s में क्या हुआ, आर्पानेट, एनएसएफ नेट और जितने भी प्राइवेट नेटवर्क्स थे वो एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट हुए, ज्वाइन हुए एंड देन दे क्रिएटेड द इंटरनेट.